الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين

فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا

كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا اللهم اصلح نيتنا وزرياتنا وزوجنا اللهم امين चलिए इनशाला हम बुक पढ़ रहे थे जो कि बहुत ही खूबसूरत है अल्हम्दुलिल्लाह के जिसमें छोटी अमायल है लेकिन अजर बहुत ज्यादा है ना और आज हम आ, इकामत की सुन्नतें देखेंगे ना कि अजान की पहली चार सुन्नतें इकामत की सुन्नतें भी है ना और आप जानते हैं कि जो जो कि जिसका फतवा जो है सऊदिया के जो फतवा फतावा कमेटी है उसने भी ये फतवा दिया हुआ कि दिन और रात में अगर हर अकामत के वक्त इन सुनतों पर अमल

क्योंकि इसके बारे में जो हदीसी कर दी गई है वो दईफ है तो सुबह अल्लाह आप कि हर नमाज के बाद अगर आप इस अंदाज से कामत के साथ ही सुन्नतें पढ़ते हैं तो ये भी जिसे कहा जाए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के नबी सबित न फिर यह है नमाज सतरे की तरफ पढ़ना तुम में से कोई शख्स जब नमाज पढ़ना चाहे तो सतरे की तरफ पढ़े और इसके करीब हो जाए और अपने और उसके दरम्यान किसी को गुजरने ना देना तो ये बात ये हदी इस बात की दलील है कि मैं और आप हर नमाज में सुथरा रख कर नमाज पढ़ें, चाहे आप मस्जिद में पढ़ रहे, हैं, घर में पढ़ रहे हैं, आप मर्द जबकि कई नमाजें इस सुन्नत पर अमल ना करके अपने आप को और आप महरूम कर लेते हैं ना तो कोशिश करें कि ये नबी सर नमाज से सुथरा और सुथरा कोई भी चीज हो सकती है ना कि जिसकी एक इनशाला किसी क्लास में आपको बताऊंगी की हाँ क्या उसकी जिसे कहा जाए कंडीशन है लेकिन ऐसा आप वैसे भी जानते होंगे ना लेकिन अक्सर लोग बगैर सतरे के नमाज पढ़ते हैं और सामने से लोग आगे पीछे से गुजर रहे होते हैं तो इस वजह से फिर आप इस सुन्नतों पर अमल करने से रह जाते हैं ना तो आप देखिए फर्ज से पहले भी आ, आप मतलब इस पर कितनी दफा अमल कर सकते इसी तरह फराइज से पहले और बाद की सुनते जैसे आप देखिए तहियातल मस्जिद है नमाज वितर है चाश्त है फर्ज नमाजें सतरे के सामने पढ़ने से इंसान इंसानी तो सुन्नत पर बार बार अमल करके बहुत ज्यादा अजर सवाब कमाता है और साथ साथ देखिए जब भी औरत अगर अकेले घर में फर्ज नमाज पढ़ रही है देकर नवाफिल पढ़ रही है तो हर दफा जब आप इसका अहतमाम करते हैं तो आप इस सुन्नत पर अमल करके अजर हजीम हासिल कर सकते हैं ना याद रखिये कि जमात की के के अगर नमाज हो रही है तो इमाम का सुतरा जो है जो पीछे मुख्तदी है उनके लिए काफी हो जाएगा अब अगर सफों से कोई आगे पीछे गुजर रहा है तो कोई मसला नहीं क्यों क्योंकि इमाम का वहां पे मौजूद है फिर देखिए कि सूत्रे के, के चंद मसाइल है ना या हर उस चीज़ को कहते हैं जिसे नमाजी कबले के सिंध अपने सामने ले ले लेकर रखता है जैसे कोई दीवार हो सकती है कोई पिलर हो सकता है कोई डंडी आशा हो सकता है कोई कुर्सी इस तरह की कोई भी चीज होती है जो कि कबले के सामने अपने सामने इंसान उसको ला रख लेता इन क्लोज हो जाता है फिर ये जो सूत्रा होता है उसकी चौड़ाई की कोई हद तो मुकर नहीं है लेकिन जो लंबाई है उसकी जो ऊंचाई कम से कम एक बालिश जरूर होनी चाहिए इतना तो मस्त है ना फिर नमाजी के कदमों और नमाजी के कदम से लेकर और सतरे के दरमियान जहां आपने सुथरा रखा है ना तो उसमें तीन हाथ का फासला होना चाहिए फिर ये सतरा इमाम और जो अकेले नमाज पढ़ने वाला है दोनों के लिए जरूरी है ना दोनों के लिए चाहे आप फर्ज नमाज पढ़ रहे हैं या न फिलना अल्हमदिल्ला लेकिन ये कि इमाम का सुतरा मुख्तियों का भी सुतरा होता है लिहाजा जरूरत के वक्त मुख्तियों के सामने से गुजरना फिर जायज हो जाएगा देखिए सुतरे के फवायद है ना अगर नमाजी के सामने सुतरा ना हो और उसके सामने से किसी औरत या गधे या काले कुत्ते का गुजर हो तो इससे इसकी नमाज टूट जाती है लेकिन अगर सुतरा मौजूद हो तो ऐसा नहीं होता इसी तरह अगर सुतरा मौजूद हो तो नमाजी की नज़र एक जगह पर टिकी रहती है और इससे नमाज में आपकी खुशी पैदा होता है और अगर सुतरा ना हो तो नज़र इधर उधर जाती है और नमाज की सोच जो कहते हैं नमाजी की जो सोच है उसमें एक तरह से इंतजार पैदा हो जाता है यानी वो सोचने पर हो है। फिर ये कि अगर हो, तो गुजरने वालों के लिए भी बहुत हो है। और अगर ना तो नमाजी उनके लिए रुकावट बन जाता है ना तो इनशाला जब मैं और आप इनशाला करेंगे तो आप देखिएगा कि आपको इससे बहुत कुछ फायदा हासिल होगा ठीक है तो इनशाला कुछ एक दो इनशाला और रात की नफल नमाजों को देख लेते हैं कि फराईज से पहले और बाद की सुन्नत है तो कोई भी मुसलमान बंदा जो हर दिन बारह रकात नमाज नफिल अल्लाह की रजा के लिए पढ़ता रहे तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में घर बना देते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आप में से हर बहन कोशिश करती है ना कि बारह रकात नमाज नफिल पढ़ ले ठीक है ना दुआ फजर में पढ़ती हैं सुन्नतें पढ़ती हैं जोहर में 6 पढ़ती हैं 8 हो गई तो, तो मगरिब में चनो अटू ईशा में ना ये बारह रिकात जो है आपने देखा कि जब कोई इनशा अपना घर चाहता है जन्नत में हर एक हर एक का दिल चाहता है तो हर एक को जन्नत में घर बनाना पसंद है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब मैं और आप इस वसीयत पर अमल करेंगे और दिन रात बारह रिकात नफिल नमाज पढ़ेंगे तो इनशा अल्लाह के से आपको इसका फायदा मिलेगा जन्नत में फिर ये के चाँच की नमाज इस नमाज का एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि थ्री सिक्सटी सदकों के बराबर है अल्लाह तो के नबी सल्लल्लाहु सदका करना जरूरी है लिहाजा हर सुभान एक है।, हर है हर ला सदका है और हर अल्लाह अकबर सदका है नेकी का हर हुक्म सदका है और बुराई से रोकना सदका है और उस और इस सबसे चाश की रकात नमाज काफी हो जाती है जी इनशाला तो यहाँ पे सारी सुन्नतों के हवाले से बात हो रही है सुन्नत तो और नफिल एक ही है ना इनशाला ठीक है नफिल और जो बारह सुन्नत आप पढ़ती हूँ उसी के बारे में बात हो रही है तो क्या बात पता चली कि इंसान के जैसा में जो थ्री सिक्सटी जॉइंट हैं तो हर जॉइंट की तरह हर रोज कम से कम एक सदक़ा शुक्राना के तौर पर करना ज़रूरी है हुँ? जब मैं और आप सजदा करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह तो हदीस से पता चलता है कि चार्ज की जो दो दो का नमाज है अगर आप अदा कर लें इंशाल्लाह दो का तो ये थ्री सिक्सटी जोड़ों की तरफ से आपकी तरफ से सदक़ा अदा हो जाएगा और इसी तरह अबरती कहते हैं कि मुझे मेरे खलील ने तीन बातों की वसियत फरमाई एक ये कि मैं हर महीने में तीन रोजे रखूं, दूसरी ये कि चाश के दौरे का नमाज पढ़ता रहूं और तीसरी ये कि वितर सोने से पहले पढ़ लूं। ये भी बखार मुस्लिम की रिवायत है तो चाश का जो वक्त है याद रखी तुलुए शम्स के पंद्रह मिनट बाद शुरू होता है और अजान जोहर से तकरीबन पंद्रह मिनट पहले तक जारी रहता है तो ये जो हम पढ़ते ना हम नाम दे देते हैं कि ये इशराक है चाश्त है नहीं बस ये सारी एक ही नमाज है ठीक है बस नाम दे दिया गया है जिसे कहा जाए वक्त के हिसाब से यानी सूरज के तुल् होने के हिसाब से जो तो तकरीबन आप पंद्रह मिनट के बाद जो सूरज तल्वा होने से लेकर सूरज जिसे कहा जाए जोहर की नमाज से पंद्रह मिनट पहले तक जो भी आप नमाज पढ़ते हैं तो ये बस इसका अफजल वक्त है जब सूरज की हरारत यानी इसका जो अफजल वक्त होता है जब सूरज की हरारत थोड़ी तेज हो जाए और इसकी कम से कमरे का दो है और ज्यादा से ज्यादा एट है

मैं इसको खोलती हूँ जी इसकी पर इंशाल्लाह जी जजाक अल्लाह खैर

बस हलाकत है नमाजियों के लिए अल्लादीना वो जो हम वो अपनी नमाजों से साहून सुबह अल्लाह नमाजियों के लिए भी हलाकत है ना जो अपनी नमाजों से गाफिल है अल्लादीना वो लोग जो हम वो युरा वो रियाकारी करते हैं वो यम नम और ना और वो रोकते हैं अलमाउन इस्तेमाल की मामूली चीज़ों से अल्लाह ताला हम सबको ऐसी बुरी सेफात से बचा ले लेंगे जो नमाज में गफलत का बास बने रियाकारी का बास बने छोटी छोटी सी मामूली चीज़ों पर इंसान के अंदर बकेली आ जाए चलिए इंशाल्लाह आप टाइप कीजिए आप में से कितनी बहने रहती हैं इंशाल्लाह सब ने मोलिए जजाक से बारह फीक चलिए सब रेडी हैं सूरह सुरैन आयत नंबर वन से लेकर सैवन أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فويل للمصلين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون الذين هم يراءون ويمنعون المعون ويمنعون المعون हमारी रेसिटेशन कंप्लीट हुई अल्हम्दुलिल्लाह आप सबको ये सुरत याद होगी लेकिन फिर भी इंशाल्लाह अपनी मतलब करेक्शन के लिए बहुत जरूरी है कि हम इसको दोबारा से देख लें कि ले कहीं हमारी कोई आ, कोई मिस्टेक तो नहीं है ना इंशाल्लाह चलिए खैर बारकअल्लाह फिर थोड़ी सी इसकी तजवीद देख लेते हैं ठीक है इसको आपने वाजी करना ये सॉरी आई नहीं है आ, आ ठीक है रॉ हेवी रखिएगा आई बई तई ये आपका लीन है ना तो आई ता

ان كان فَذَلِكَ الَّذِي ذَا आपके टिप ऑफ द टंग जो आपकी है आपके सामने के जो फ्रंट आपके तीत हैं इसके एजेस के साथ लगेगी ठीक है फर्ज अली का लजीजी आपका गेन टू काउंट या मतिया ये दो दाल के बाद आइन है ठीक है दो दू नहीं है दो थोड़ा सा आइन को फील होना चाहिए कि आइन पढ़े ये दो ठीक है तो थोड़ा सा आइन का मखरजबाजी कीजिएगा आइन की दम्मा को फिर आपने लाम के साथ मर्ज करना है ठीक है ओल यतीम और लाम पे बाउंस नहीं कीजिएगा सेम अगेन आप रोकेंगे मदुलारत सुकून और जो मीम का जो गुन्ना है जो नाकस गुन्ना वो एट द एंड आपने यतीम ठीक है इस तरह वाला ला आपका अलफ मत दिया या हा है ये ठीक है ये हा नहीं हा है आपकी वाजी हो लेकिन भी हो। ना हो। आला, 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 आ, आपका टू काउंट हो जाएगा अलफ मकसूरा है जिसको अलफ सगैरा भी कहते हैं टू काउंट इसको भी स्ट्रेच किया जाता है, तो आ, तो आ, तो को है भी, आ, इसको आपने टू काउंट पढ़ना ठीक है? लाम को आपने मा, आ, मा वो नहीं करना बाउस मिस आपके हो, आपका अगेन लीन आ गया ऑलमोस्ट टू काउंटे देखिए लाम सागिन के बाद लाम है तो ये क्या हो जाएगा आपका ईदगाम और ऐदगामी कामल पूरी लाम की आवाज लाम तनवीन की आवाज

ठीक है सौ तो सौ ला, ला को आपने लाइट रखना अलुकमत या ती हिम हिम पे आपका नाकस बनना तो सा तो मेक श्योर स अलफमतिया हु को आप खींचेंगे

नाकसुन्ना वाज करना ठीक है व यम उनल यम पूरा ना साउंड कंप्लीट होना चाहिए यानी कि व यम ना नहीं यम। पूरा कंप्लीट हो के फिर आप नून पे जाएंगे नाकस गुन्ना करके ऊन ठीक है मै अगेन लाम पे बाउंस नहीं कीजिएगा ओ आपका मत दिया है आ, लाम पे आपने इसको जैसे कहा जाए वैसे करना इंशाल्लाह I mean, आई मीन हिट करना है और मैं आपने लेफ्ट हैंड दिया है को आप रोकेंगे तो ये ऊ नहीं है आइन है ठीक है ठीके? इससे पहले में ऊ था ना उ, इसमें में डिफरेंस आइन है आएन। जजाक इनके सीरा, फिक, आपका आयत सुरत ट्रांसलेशन के साथ आप कर देंगे जजाक बारक इनशा हम चलते हैं अपनी अम्म क्या कहते हैं अपने ग्रामर की तरफ और ग्रामर में हमने लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा था खोल सकती हैं एडमिन ग्रुप में देखिए वहां पे शायद हमने लास्ट वाली पिक्चर डाली थी ना जहां तक मुझे याद आ रहा है जी हमने कौन सा पढ़ लिया था uh, तफदी शाबाश ठीक है फिक एक सेकेंड देख दीजिएगा मैं खोल लू अपने पास जी जी जजाकल्ला खैर बारक बाराकल्लाउफिक इसम तफदील को देखेंगे हमने लामी मजाइल का जुमला इसमिया में हमने देख लिया था कि कैसे इस्तेमाल नफी का मीनिंग असमा उकमसा को भी देख लिया था ठीक है इसम तफदील को देख रहे थे ठीक है तफदील जो है मैंने आपको बताया था ना कि किसी भी मौसुब यानी जिसकी सिफत बयान की जाती चाहे वो अच्छी हो या बुरी उसको दूसरे के मुकाबले में या तो ग्रेड किया जाता है ज्यादा जाहिर करने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल होती है उसको इसम तफदील फजीला सेना एक को दूसरी चीज पर फजीलत देना ठीक है फजीलत देने का इसम देखिए तफदील में बहुत थोड़ा सा फर्क है ना ये लड़का बहुत अच्छा है ये क्या है ये जो है है जो लेकिन अगर मैं ये लड़का उस लड़के से ज्यादा अच्छा ठीक है ठीके? तो ये क्या है ये कंपेरिजन हो गया ठीक है मुकाबला हो गया या फिर ये लड़का सबसे अच्छा है सबसे अच्छा है ठीक है तो ये क्या हो गया ये भी इसमें तब्दील हो गई लेकिन अगर मैं कहूँ मोबाइल का बहुत अच्छा है बहुत खूब आपने बहुत अच्छा होमवर्क किया लेकिन मैं कहूंगी इन्होंने इनसे ज्यादा अच्छा होमवर्क किया तो ये कंपेरिजन है या मैं कहूंगी इन्होंने सबसे अच्छा होमवर्क किया तो मैं कहूंगी ये सुपरलेटिव सुपरलेटिग्री है ठीक है इनशाला तो इसमें तफदील के हवाले से जो चीज है देखिए इसका जो वजन है अफ का वजन है मुजक्कर मुण, के अंदर और मोहनस के अंदर फला का वजन है ठीक है अफ आलो अफ आला क्यों नहीं आ रहा अफाइला अफाइली क्योंकि ये गैर मुंसरफ है जिसपे कचरा नहीं आती दस क्या हो जाएगा अफाइल 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 इसकी जमां मुकसर भी आती है जमा सालम भी कल भी हमने अननबीन देखा था ना याद है तो हमने कहा था अनबी यूना भी होती है और अलम्बिया भी आती है तो कुछ ऐसी होती है जमा जो कि मुकसर भी आती है और जमां सालम भी आती है तो इसकी जो है अफायलु की अफाइलु जमां मुकसर भी आती है। अगर जमा मुकसर है तो आपको पता है मुंसरब है कैसे अफाइलू अफाइला अफाइला लेकिन अगर जमा सालिम है तो अफ आलूनाफा ठीक है सेम इसी तरह फ फो आइलैंड यही नहीं फो आइलैंड इसकी भी जैसे कहा जब जब हम आती है फो सॉरी फो फो आइलन फो आइलन फो आइलॉन ठीक है अगर जमा हम मानना सालम करेंगे फो आइलैंड तोन ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह तब्दील हमेशा सलासी मुजरस से बनता है और अगर कभी जरूरत के तहत मजीद फी के किसी से इसम तब्दील को इस्तेमाल करना पड़े तो उसके लिए तरीका क्या है उसके लिए यानी अशदु ज्यादा अक्सरु है मकदार में आज़मु अजमत में साधा वगैरह ना इसी तरह मतलब इस तरह के मजहर के साथ बनाया जाता है जैसे हम कहते हैं ना सवा, सवा, ना इस तरह सवा अनाता है। या अक्सर अख्तियार या आज़मु तो कहने का मकसद है अगर आप इसम तफदील बनाएंगे तो किससे बनाएंगे मजीद फी मज, सॉरी मजरद से बनाएंगे ठीक है मुजरद क्या होता है ऐसा वर्ड होता है जिसमें तीन लेटर होते हैं जलसा, इससे बनेगा लेकिन अगर मजीद फीके किसी वर्फ से बनाने की जरूरत पड़ेगी तो फिर उसका डिफरेंट अंदाज से बनेगा जैसे अशद्दू है अक्सरु है आजम इनशा आके दे इसके साथ बात होगी इनशाला इसम तब्दील के लिए कुछ चीजें हैं इस कहलाती है ना यानी कहने का मकसद है हम नहीं आती तो वो एग्जम्प्ट हो जाती हैं जैसे शरुन, हम पढ़ते हैं ना मयामल मिसरतरा शरुअर तो ये खैरुन शरुन भी ये इसका मीनिंग होता है ज्यादा अच्छा ज्यादा बुरा तो ये है है फदील है, है? है ये उस पैटर्न पे तो नहीं आ रहा फलों के लेकिन ये के? ये है क्या इसमेंट है? है जैसे हमने बहुत सारी चीजों में देखते हैं ना है ना हम उसके एक्सेप्शन देते हैं जो रूल पे नहीं आता तो फिर हम उसको इस तरह शो करते हैं कि वैसे तो ये है जो रूल तो यही है लेकिन कुछ चीजें कहा जाए एक्सेप्शन हो जाती है ना तो उसमें से ये है कि खैरुन और शरुन भी क्या है ये भी इसमें है ज्यादा अच्छा और ज्यादा बुरा अब आप देखिए तफसबाज होती है और तफजीले कुल होती है ठीक है बाद और तफीले

अब ये बता रहे इसम के बाद अगर मिल लगा कर उस चीज या शख्स का जिक्र करते हैं जिस पर मौसु की सिफत की ज्यादा बताना मकसूद हो जैसे यहाँ पे थोड़ी सी एग्जाम्पल से आपको ये बात समझ आएगी जईदकर अब देखिए हम क्या बता रहे हैं कंपैरिजन कर रहे हैं ना जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं तफदील तफ्लेबा को तो तफ, यानी तफदील को तफी तफदील को इस्तेमाल करने के तीन तरीके हैं पहला तरीका मिन के साथ ठीक है और मिन के साथ हम क्या कर रहे होते हैं जब हम, हम उसको लगा रहे होते हैं तो हम उसको दूसरे पर्सन के साथ कंपेरिजन कर रहे होते हैं कि जिसकी मुझे आपको सिफत बतानी ज्यादा मकसूद है मुरादे की उसकी उसके अंदर कोई ज्यादा क्वालिटी जैसे मैं कह रही हूँ जैदैद जो है सबसे बड़ा आलम है या ज्यादा बड़ा आलम आप कहेंगे आलम कहेंगे ज्यादा बड़ा आलिम है मिम बकर इन बाकर से ठीक है बकर बकर से तो क्या बात समझ आ गई कि मिन लगा के हमने जिसे कहा जाए पहले वाले की दूसरे के मुकाबले में बरतरी को यानी सुपर उसके डिग्री को जाहिर कर दिया ठीक है इनशाला सेकेंड डे की तफ्ले को मुरकबी तो जैसे होता है ना बनाते हैं। अब हम क्या कहेंगे सबसे ज्यादा जानने वाला जैद सबसे ज्यादा जानने वाला ठीक है जैद सबसे ज्यादा जाने वाला कहने का मकसद है, अगर हम कहते जाएदु, जाएदु, हैं ना कहने का मकसद क्या हैफ्तील है के इस्तेमाल पड़ रहे हैं एक तो मिन के साथ दूसरा अलफलाम के साथ अलफलाम लिख लीजिए आसानी के लिए कि अगर आप उसकी सिफत के अंदर ठीक है जैसे जैद की सिफत क्या है अल, अल तो अब यह क्या होगा गया ये क्या हो गया अब ये क्या होगा ये चारों चीजों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह कोऑर्डिनेट करेगा और इससे ये बात साबित हो जाएगी कि वो सबसे बड़ा आलम है ठीक है सेम इसी तरह हम कहते हैं अल्लाह अकबर ठीक है अल्लाह अल्ला अल अकबर ऐसे आता है ना अल्लाह अल अकबर इस तरह से तो अल्लाह सबसे बड़ा है अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह इसी तरह एक और इस्तेमाल करने का तरीका ये होता है अलफलाम के बाद मरकब इजाफी बना दें ठीक है मरकब इजाफी के जरिए से भी अल्हम्दुलिल्लाह हम जिसे कहा जाए इस तफ्ल को इस्तेमाल कर सकते हैं कैसे देखिये अजुलनासी ठीक है आलम आलमसी अब आप अगर आप गौर से देखें जैसे पहले एग्जाम्पल देखिए जईद उनमनासी जैद जो है ज्यादा ज्यादा जानने जानने वाला वाला है जाने वाला या ज्यादा बड़ा आलम के लिए किससे लोगों से लोगों से ठीक है अब आप देखिए जईद उन आलम जैद ज्यादा जानता है अनासी लोगों से तो अब आप ये देखिए कि आलम आलमासी क्या है आलम आलमसी क्या है हुँ? लोगों से ज्यादा जानना ना लोगों से ज्यादा जानना कौन है ज्यादा जानने वाला जैन तब तो आप देखिए ये जो मरकब इजाफी लाया गया ना तो ये शो कर रहा है तफसील कुल को बता रहा है कि आप कैसे बना सकते हैं और बता सकते हैं कि कौन ज्यादा ज्यादा आलम है ना ठीक है ना अल्हमद इसम तफिल जब मुदाफ हो तो जेंट्स और अदद के लिहाज से अपने अपने जो भी मासूफ है उसकी कॉर्डिनेट करेगी और यानी कोर्डिनेट भी कर सकती है और कोऑर्डिनेट नहीं भी कर सकती याद रखिए जब वह मुदाफ होगा तो कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता ठीक है इनशाला तो देखिये अजुलाइ आमनासी दो जो दो लोग जो है खास की तरह इशारा है आनासी यानी वो दोनों क्या है ज्यादा जा आने वाले हैं लोगों से ठीक है इसी तरह देखिए अरजुलानी आलमनासी ठीक है अब ये आलमानी था ये नून जो है अल हम अगर, मैं इसको बनाती हूँ आलम आलम आलमी आलमानी आलमीनी आलमीनी हम्म तो आलमानी था आपको पता जब आगे मुदाफ आता है, तो नून जो है जो कि नून इराबी होता है वो ड्रॉप हो जाता है वो ड्रॉप हो जाता है तो क्या हो गया तो दोनों तरह से लाया जा सकता है ठीक है तो आप कहेंगे दो आदमी या दो शख्स ज्यादा जानने वाले वो दोनों ज्यादा जानने वाले हैं लोगों से इसी तरह देखिए अलम्बिया अफदल उन्नासी भी दुरुस्त है और अलम्बिया हो अफादिल उन्नासी भी दुरुस्त है ठीक है या अलम्बिया हो अफदल भी दुरुस्त है कैसे अलम्बिया आप देखिए अम्बिया यानी मुरादे के सारे के सारे अम्बिया ठीक है अफदलू ज्यादा फजीलत वाले हैं लोगों से तो मैंने जैसे आपको कहता था कि मौसू जो है यानी अम्बिया की सिफत क्या है अफजल है ना तो ये जो मौसू अपनी सिफत के साथ जरूरी नहीं होगा कि अदद और जैसे कहा जाडिनेट करे कॉर्डिनेट कर भी सकता है नहीं भी कर सकता किसके अंदर इसमें तब्दील के अंदर जब हम मुदाफ के साथ इसको बनाएंगे ठीक है तो आपको क्या बात पता चली आपको ये बात पता चल गई कि तीन बातें आपको पता चली तफ्तील को बनाने का तीन तरीका है ठीक है नंबर वन मिन के साथ नंबर टू अलफलाम के साथ और मुदाफ मुदाफिल के साथ आप उसको कंपैरिजन कर सकते हैं -अम्भिया अम्भिया सारे के सारे ज्यादा जिसे सब के सब जो है ज्यादा लोगों से फजीलत रखते हैं या अलम्बिया नसी ये पहली वाली आफदल जमा मक्सर आ गई और ये आफा, आफ अफदुलू ये आपकी जिसे कहा जाए जमा सालम आ गई ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह मरियम फोदलन फोयफदलन نسائیں हमने पढ़ा है ना जिसे कहा जाए कि मरियम के बारे में जो हमने अभी वजन देखा था अभी आपको याद है कि इसम تبدیل के अंदर ठीक है जमा का एक फोला वाहिद का होता है और फोअलून या फोउलायतुन जमा का ना, तो ये इसी इसीलिए इसका ये आ रहा है यहाँ पे ना ये आ, यहां पे फजीलत से है तो और है लेकिन अफदलु जो है वो मुजक्कर से तो मुजक्कर और मोहनस होने में जरूरी नहीं होता जब हम इसे तब्दील बनाते हैं तो जो सिफत है वो जिसे कहा जाए कोर्डिनेट करे मौसु के साथ ठीक है इनशाला तो दोनों तरह से आना दुरुस्त है फिर देखिये इसम फ इसम क्या है? होता है ऐसा इसम होता है जिसमें किसी काम के होने या करने का वक्त या उसकी जगह का मफहम होना और जर्फ की कितनी कस्में हैं दो कस्में एक होती है जर्फ जो काम के वक्त को और जमाने को ज़ाहिर करता है ना जैसे अभी क्या वक्त है अभी कौन सा जमाना है और दूसरी तरफ क्या होता है जरफ़ान जमान जो है जो काम की जगह को जाहिर करता है काम के करने की जगह का मफहम देता है इनशाला पढ़ेंगे जर की दो किस्में हूँ और एक होता है एस एम ठीक है किसी काम के होने या करने का वक्त या उसकी जगह का मफहम रखना ये एस एम कहलाता है जर की दो किस्में जर जरफ जमान और जरफ मकान मकान में काम करने की जगह का मफहम होगा और जरफ जमान में काम करने के वक्त का तयन होगा ठीक है याद रखिए जब हम सलासी मुजरस से इसम फ बनाएंगे तो उसके दो औजान है जो कि आपको जहन में होना चाहिए ठीक है सलासी मुजरद क्या है ऐसा वर्ब जिसमें तीन लेटर्स होते हैं ठीक है जैसे हम कहते हैं फाइला नसरा ठीक है ना दौरा दा, कोई भी कहते हैं तो उसके अंदर जब आप बनाएंगे इसम ऑर्टरफ़ में इसम रफ़ का कह रही हूँ ठीक है मोक्षे में शुरू कीजिएगा तो उसके दो औजान एक है म और दूसरा मफ़ फ्याल ठीक है सिर्फ फर्क आइन की आइन की हरकत है पे या तो फता होगा या फिर बाब इनशांगे बाब जो है फतेहा बाब न इसी तरह बाप बाप करुमा से, याद रखिए बाला जब हम सलासी मुजरद पढ़ेंगे ना तो इसके छह अबवाब पढ़ेंगे तो उनमें से चार अबवाब कौन कौन से फा का मतलब फतेहा नून का मतलब सीन का मतलब अकाफ का मतलब मतलब करूमा इनसे जब भी हम बनाएंगे सुलासी मुजरत के अंदर इसम का वजन तो वो किस पर आएगा म के वजन पर आएगा म के वजन पर आएगा लेकिन अगर मैं जो सलासीजर मुजरक के छे अबाब हैं छः बाब हैं। तो अगर मैं बाब दराबा दुआ का मतलब दराबा हाथ का मतलब हसीबा ठीक है अगर इन दोनों से इसम का वजन बनाऊंगी तो वो कौन से वजन पर आएगा वजन पर आएगा म फे लजन पर आएगा ठीक है ना इनशाला तो बस ये थोड़ी सी बात आपको बतानी थी कि आपको औजान पता होना चाहिए आपको डाइस पता होना चाहिए कि किस वजन पर किस डाइ पे हम इस इस को बना रहे हैं। या तो पे बनाएंगे या पे बनाएंगे पे बनाएंगे तो याद रखिएगा फलून के वजन पे बनेंगे बाप दराबा और बाप हसीबा म फायलून के वजन पर बनेंगे ठीक है अलहमद कुछ एक्सेप्शन है जो आपको यहाँ पे बताई जा रही है उसको आप एक दफा देख लेगा याद रखिए अगर कोई का काम, कोई भी काम है किसी जगह किसी जगह पर किसी मकान में बहुत ज्यादा कसरत से होता है ना तो फिर उसका اسم ظرف का वजन मफालतुन के वजन पर आ जाता है जैसे हाँ, आप देखते हैं मदरसतुन सबक लेने या देने की जगह मत बातुन छापने की जगह मकतबतुन डेस्क को कहते हैं ना पढ़ने की जगह तो कहने का मकसद है कोई भी काम कोई भी काम अगर बहुत कसरत से किसी जगह पर पाया जाए तो फिर वो म फून के वजन पे नहीं आता के वजन में ये जो ता आ जाती है ना ये मुबालगे की आ जाती है या मुराद है है कसरत कसरत का मीनिंग है। मदरसा, से पढ़ने की जगह है ना सबक आप पढ़ते हैं लेते हैं सुनते हैं मकबातन का छापने की जगह जहाँ प्रिंटिंग होती है मकतबातुल जैसे लाइब्रेरी होती है ना मकता जैसे तो कहने का मकसद है मुसल वहां पे ये चीजें होती है तो फिर उनको एक खास यानी ताय के साथ लाकर क्योंकि यहाँ पे बकसरत काम पाया जाता है इसी वजह से इसको ऐसे जाहिर किया जाता है फिर आप देखिए तीनों औजान कौन, कौन कौन सा म फलून और म तीनों औजान की जमा मुकसर एक ही वजन पर आती है सुबह अल्लाह अगर आपको कहा जाए बनाए म फलून म फलन म फलन फिर इसकी जो जमा मुकसर आएगी ठीक है याद रखिए वो एक ही वजन पर आती है और वो क्या है मफा इलू ठीक है और ये गैर मुंसरफ है मफा मफ़ाइला मफ़ाइला चाहे आप मफ से बनाए मफ से बनाए मफ से बनाए इन तीनों की एक ही जमा आएगी जमा मकसर और कौन से वजन पर आएगी मफा के वजन पर आएगी मफा के वजन पर आएगी जो कि क्या है गैर मुंसरफ है खैर मुशरफ है ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह चलिए मुम आ, अच्छा यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा आ, जी अब यहाँ पे बताया जा रहा है मजीद फी से इसे मफूल को ही इसी मजरफ के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि अभी आपने मजीद फी पढ़ा नहीं है लेकिन आ, जैसे हम मफूल उनका पढ़ते हैं ना मफूल उन... ठीक है ना तो इसी तरह इन शह लेकर फिर आपको बताऊंगे फी के अंदर मुख्तलिफ तरह का वजन होता है वैसे तो हम अगर सुलासी मुजरस से बनाते हैं तो इसम फाइल का फाइल उनके वजन पर और, म, और जिसे कहा जाए मफूल का मफूल उनके वजन पर है लेकिन अगर आप मजीद फी से बनाते हैं ना तो बिल्कुल मजीद पी फी, फी के अंदर इसे मफूल का भी वही वजन है जो इसम जर्फ का वजन है ठीक है मुमताहन उनके मायने जिसका इम्तिहान लिया गया या इम्तिहान की जगह भी कहा जा सकता है या वक्त भी कहा जा सकता है इनशाला बात आपको और उस वक्त क्लियर समझ आएगी जब आप इनशाला वर्ब शुरू करेंगे और उसके अंदर चैप्टर्स पढ़ेंगे अब के ठीक है चलिए अब यहाँ बता दिया कुछ ऐसे अल्फाज है जिनमें वक्त या जगह का तस्वर तो होता है मगर उस वक्त या जगह में किसी काम के करने या होने का मफहम शामिल नहीं होता यानी कहने का मकसद है आसान से तो अल्फ में कुछ ऐ, अब कुछ ऐसे अलफाज आपके सामने पेश किए जा रहे हैं जो कि जर्फ है इसमें जर्फ नहीं है वो वो बेसिकली उसके अंदर जगह का तो तस्वर है वक्त का तो तस्वुर है लेकिन उसमें काम के होने या करने का मफम शामिल नहीं होता जैसे पास, ना? अब इसके अंदर पास है, ले ले पीछे आगे तो ये जगह बता रहा है पीछे आगे लेकिन इसके अंदर क्या है काम के होने का मफुम नहीं है ठीक है काम के जिसे कहा जाए जा, करने का मफूम नहीं है तो ऐसे अल्फाज बेसिकली इनको जर्फ कहा जाता है इनको इस जर्फ नहीं कहते। बादा, जिसे आप पढ़ते हैं तो इनके अंदर वैसे तो है जिसे कहा जाए तस्वर पाया जाता है वक्त का या जगह का लेकिन चूंकि इसके अंदर काम का मफूम नहीं पाया जाता काम के करने या होने का लिहाजा हम इनको इसम झर्फ नहीं कहते इनको हम सिर्फ जर्फ कहते हैं ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह और याद रखिए ऐसे जो इंदा गल्फा तहता बादा ये अमूमन मजाफ बन कर आते हैं जब फ़ के मफह में इस्तेमाल हूँ तो याद रखिए हमेशा हालत नसब में इस्तेमाल होते हैं ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। जबकि याद रखिए ये, ये जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये अमूमन जैसे इंदल बैती मस्जिद के पास है न तो आप कहने का मकसद है ये मुदाफ़ बन आएंगे और जब ज़र्फ़ के मफह में इस्तेमाल होंगे तो याद रखिए अगर ज़र्फ़ के मीनिंग में आ रहे तो हमेशा हालत नसब में इस्तेमाल होते हैं जबकि इसम जर्फ को अगर आप देखेंगे तो ये तीनों हालतों में आपको मिलेगा ठीक है ऐसा नहीं होगा कि ये, 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 ये जो आपने वजन देखे तीनों हालतों में चेंज नहीं होगा नहीं इसम जर्फ तीनों हालतों में आएगा रफा हालत में भी आएगा नस्ब हालत में भी आएगा जरी हालत में भी आएगा लेकिन जो जर्फ है याद रखिए वैसे वो मुदाफ के तौर पर आते हैं और जर्फ के मफह में अगर इस्तेमाल हो तो हमेशा हालत सब में इस्तेमाल होंगे उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी इनशाला ठीक है कुछ आपको एग्जाम्पल दी जा रही है थोड़ी सी इनशाला आप उसको खुद से विकेबुलरी को देख लीजिएगा उसके बाद फाइल मैं आपको बता चुकी हूँ क्या होता है किसी काम के करने वाले का मफहम देने वाला फाइल है, है मफूल जिस पर काम होने का मफहम पाया जाए जर्व क्या है किसी काम के होने या करने का वक्त या उसकी जगह का मफोम रखता हो वो जामान भी हो सकता है मकान भी हो सकता है इसम सिफा क्या है जो बतौर सिफत इस्तेमाल हो उसको इसे मुबालक भी कहते हैं यानी किसी के अंदर ज्यादा एग्जेजन पाई थी जैसे हमने देखा था ना अभी तफ्ल क्या है किसी किसी भी मौसम की सिफत को दूसरे के मुकाबले में बढ़तर ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है और इस्तेमाल जो, जो किसी काम के करने का जरिया आप आ, कोई भी औजार इस्तेमाल करते है जैसे की इस है ना ये मफताह क्या है चाबी क्या है दरवाजा खोलती है ना काम करने का जरिया है ना ये एक औजार है न हथियार है ना ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह तो ये इसम आला है जो इस चीज को बताए जो किसी काम के करने का जरिया ठीक है इसम और इसम फाइल के मायने किसी काम को करने वाले का मफोम देने वाला बहुत फर्क है फाइल गुल्लू फाइल इन मरफोन बस समझ आ रही है ना मैं ज्यादा तेज तो नहीं जा रही टाइप करके बताइए ठीक जा रही हो ना समझ आ रही है या फिर आप मैं क्योंकि ये आपका रिवाइज है ना ठीक है अलहमदुल्ला बार ठीक है, थीक है. तो फाइल के मायने क्या करने वाला फाइल के मायने क्या? किसी काम को करने वाले का मफहूम देने वाला मफहम देने वाला ये इसम है ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह देखिये मफूल के मायने क्या जिस पर फाइल का असर हो और इसम मफूल किसे कहते हैं? जिसमें किसी पर काम होने का मफहूम पाया जाए ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है इसम फाइल की पहचान या बनाने का तरीका क्या है याद जाकि वाला का तर्जमा आता है उर्दू में अगर देखा जाए जैसे हम कहते हैं लिखने से लिखने वाला बेचने से बेचने वाला खाने से खाने वाला पढ़ने से पढ़ने वाला क्योंकि तो इसे मफूल को अगर उर्दू में देखा जाए तो हुआ का मीनिंग आता है जैसे खोला हुआ इसी तरह खेला हुआ समझा हुआ मारा हुआ ठीक है सलासी मुजरद के अंदर आप देखिए फाइल उनके वजन पर इसम फाइल आता है और सलासी मुजरत के अंदर जिसमें तीन व, तीन लेटर्स होते हैं उसमें इसम फाइल का वजन मफ़ूल उनके वजन पर आता है ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह ये बनाने का आपको तरीका बता रहे हैं ठीक है ठीके? बनाने का तरीका बता रहे हैं तो सिंपल सा फाइल उनका वजन है जैसे नासिर और मंसूर इसी तरह से आप देखिए लिए कतला से तीन लेटर है कातिल मकतूल इसी तरह कतबा से कातिब मकतूब है ना ये सब आता है ना बस वो आपको तरीका बता रहे हैं कि आपको कैसे बनाना है ठीक है इसी तरह जलासा से जालिसन इस जालिसन मजलूसन इसी तरह ठीक है आप बना सकते हैं तो आप आपका काम होमवर्क क्या है आपने अगेन अपनी जो फा से आपने तीनों हालतें बनानी है फा इन फ़ा इल फ़ा इन फ़ा इलास बनाइए फा इला तानी फाइलतानी तैनी फ़ा इला तुन फ़ा ठीक है सेम इसी तरह आप मफ़ोल को बना लीजिये म फ़ोलोन मफलन मफल मफ उी مفعولونا لینا لینا ٹیک اباسی طرح مفعولتن یمعنس بنالیجا مفعولت مفعولتانی تیني تیني مفعولات مفعولات مفعولاتن ٹیک نا اسان سےنا चलिए ये आपका हो गया ये आपका सिम्फाइल भी हो गया मफूल भी हो गया फिर आगे आपको कुछ अल्फाज की मीनिंग दिए जा रहे हैं इसको आप खुद से देख लीजिएगा आखिर में असमाय इस्तेफा में इसके बाद आपका अलहमदल थोड़ा सा रह जाएगा इसके बाद ऑलमोस्ट आपका ये खत्म हो जाएगा तो फिर इंशाल्लाह हम टेस्ट करेंगे फिर इंशाल्लाह हम अफाल शुरू करेंगे ना तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अक्टूबर के एंड तक कह लीजिए आपका टेस्ट होगा तो आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है क्योंकि क्या, आप का, काफी कर चुके हैं। थोड़ा सा आसमाय इस्तेफाम को देख लेते हैं असमा जो किसी जुमले को सवालिया बनाए ठीक है इस असमाय इस्तेमाल क्या होता है जो किसी जुमले को सवालिया बनाए क्वेश्चन बनाए ठीक है याद रखिए असमाय इस्ते इस्तेमाल इस, और हरफे इस्तेफाम में फर्क है दोनों में फर्क है हरफे इस्तेफाम कौन कौन से आ और है हाँ और हल, लेकिन जो असमाई इस्तेफाम है याद तो ये जुमले में या तो मुबतदा बनेंगे या खबर बनेंगे या फाइल बनेंगे या मफूल बनकर आएंगे ठीक है इनमें से कोई एक पोजेशन इनकी होगी क्या एक तो ये जुमले को सवालिया बनाएंगे और जब सवालिया बनाएंगे तो जुमले के अंदर या तो इनकी पोजिशन मुब्त की होगी हम्म जिसे कहा जाए या फिर सब, आ, सब्जेक्ट यानी खबर की यानी प्रेडिकेट फाइल यानी ड्यूअर ऑफ एक्शन या मफूल जिस पर ऑब्जेक्ट जिस पर आपका का काम वाकया इसमें से कौन कौन से आसमा इस्तफा में ये के सामने मेंशन कर दिए गए मन कौन कैफा कैसा मा या माजा क्या कम कितना मता कब अयन कौन सा कहा, अना कहा अन्ना कहा से या किस तरह अयतुन कौन सी ठीक है मा हाजा हम कहते हैं व्हाट इज दिस ये क्या है मन अबू का तेरा बाप तेरा म, मन हूँ अबू का योर फादर यानी इज योर फादर तेरा बाप कौन है किताब उमन किसकी किताब है ठीक है किताब उमन किताब किताब किसकी किताब अयुन मुरक बेज़ाफी बनना कौन सा मर्द कौन सा मर्द कौन सा मर्द तो क्या बात इस्तेफ़ाम को तब्दील करते हैं ये का ये क्या करते हैं जुमले में या तो मुबदा बनेंगे या खबर बनेंगे या फाइल या मफुल बनकर आएंगे नंबर ऑफ असमायतफ़ाम कौन कितने हैं नाइन है मंग कैफा मांग मासा कम तो मता अन्ना ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद मिसाले दी जा रही है मंजिल लजी अब देखिए मंजिल लजी कौन है अब ये सवाल पैदा हो रहा है ना तो यहाँ पे जैसे कहा जाए इसकी पोजीशन क्या है इंशाल्लाह फिर हम इसको लेटर ऑन देखेंगे सेम इसी तरह आइना मा कुंतुम तदउना मिन दूनिल्लाह जहाँ कहीं भी कहाँ है वो जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो मता नसरुल्लाह मता नस्थुल्ला, अब यहां पे देखिए मता ये बन रहा है ठीक है नसरुल्ला अल्लाह की मदद अल्लाह की मदद कब आएगी कब आएगी ठीक है तो ये मुबतदा आई ये बिन कुदिलत अल्लाह अकबर तो वो किस कसूर में मारी गई बे आई जम ठीक है ये मुबतदा आई वह हुआ मुदा भी ये जम बिन मदाफिल

ए मरियम ये तेरे पास कहाँ से अन्ना कहाँ से लकी तेरे लिए हाजा ये। मा मा मा। और तुम क्या जानो क्या है आपको नजर आते हैं कुरान के अंदर मन है आना है मता है कैफा माँ तो ये सारे असमाय इस्तम है ये कुरान की आय के से पहले जब आते हैं तो या तो फाइल बनेंगे या मफूल बनेंगे या मुतदा या खबर बनकर आएंगे और याद रखिए कि ये जो है सवाल के लिए आएंगे और अलहमद आपको इसकी मिसालें नजर आ देंगे ठीक है तो अब ये थोड़ा सा असमाई इसम को खत्म कर दू तो फिर मैं आपको इनशाला आपकी, आपकी जो आज की, आज की जो लेसन है उसमें इंशाला देख लेंगे अच्छा अब यहाँ पे बता रहे आसमाय जो इस्तेमाल है ना उससे पहले क्या होता है कभी कभी जो है वो हरूफ जारा लग जाते हैं तो जब हरूफे जारा लगते हैं तो किस तरह से आपस में कम्बाइन हो जाते हैं जैसे ली है तो जब ली के साथ माँ कम्बाइन होगा तो क्या हो जाएगा ली ठीक है ली माजा मिम्मा, था प्लस म तो ये मिम्मा फीमा ठीक है अम्मा मिम्मन ठीक है तो कहने का मकसद है फिर इसका मीनिंग क्या हो जाएगा लिमा किस लिए लिमाजा क्यों मिम किस चीज से फीमा किस लिए अम्मा किस चीज की नस्बत मिम्मन किस शख्स है ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह तो कहने का मकसद है इसी तरह देखिए मन, किसकी किताब है हम इला कहाँ तक इला मता कब तक मीन आईना कहा कितने में ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह तो लीमन का मीनिंग क्या हो जाएगा किसका तो लिमा फीमा अम्मा बगैर अलिफ के भी लिखा जाता है बाज़त ऐसा भी होता है, है।, है। कभी -कभी बगैर भी लिखा जाता है इस अरबिक रूल फीमा कभी कभी फीमा कर दिया जाता है अमां कभी कभी अम्मा कर दिया जाता है अलफ को ड्रॉप कर दिया जाता है अलफ के बगैर भी लिखा जाता है लेकिन है क्या ये असमाई इस्तेमाल जब इनसे पहले हरूफार जाती हैं तो ये किस तरह आपस में कंबाइन होते हैं उम्मीद है कि ये बात आपको तो समझ आ गई होगी आपके सामने पिक्चर खुली है अब चंद मिसालें जैसे देखिए कुल लिमन अलर्ध वमन फीहा इनसे कहो जमीन और जो कुछ उसमें है किसका है कुल कह दीजी लिमन अलर्ध लिमन अलर्ध तो कहने का मकसद है कि बात आपको समझ आ रही है कि किसका तो ली लग गया ठीक है ना ली है ना ली लग गया तो असल में मन से पहले ली मन ठीक है ना तो ये इसके साथ जोड़ गया इसी तरह वमन अदल मिमन असल में ये क्या था मिन और माँ था मिन सॉरी मेन और मन था तो ये मिल गया मिम मन हो गया इसी तरह देखें अम्मा था ठीक है अम्मा किस चीज के बारे में अम्मा या तसा कम किताबा का कम किताबन इंदन मिन आईना अंता तो ये सारे सवाल अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा कम के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अगर जरा सा टाइम हो तो मैं खल्का सा बता देती हूँ कम जब भी आएगा इस्तफ के अंदर तो याद रखिए या तो ये इस्तेफामिया भी आता है और ये खबरिया भी आता है इस्तीफ़ाम का मीनिंग होगा तो हम कहेंगे कितना या कितने खबरिया में भी कितने हैं लेकिन इसकी कुछ कंडीशन है ठीक या है याद रखिये अगर इस्फाम है ठीक है है तो याद रखिए कम के बाद वाला जो होगा वो मनसूब होगा नकिरा होगा वाहिद होगा ठीक है याद रखिए अगर आ रहा है कम कम दो तरह से इस्तीफाम इस्तेमाल इस्तेमाल होता है या तो इस्तीफाम के तौर पर भी आता है और खबरिया के तौर पर भी आएगा अगर ये इस्तीफामिया के तौर पर आ रहा है तो ये इसके बाद आने वाला इसम ठीक है कम के बाद जो इसम आएगा उसको मनसूब होना चाहिए नकिरा होना चाहिए वाहिद होना चाहिए ठीक है और और अगर कब्रिया है तो इसम इसके बाद होने बाद जो कम के बाद जो भी इसम होगा उसको मजरूर होना चाहिए डजेंट मैटर वाहिद है जमा है तस्निया है ठीक है ये बात समझ आ गई जैसे कम दिर हमन इन अब देखिए कम दिर हमन को देखिए मनसूब है दिर को देखिए नकरा है दिर को देखिए वाहिद दे। है दराहिम इसकी जमा आती है तो आपको पता चल गया कि ये सवाल के लिए कितनी, कम तालिबें, कम तालिबें कितनी ही दर हम है तुम्हारे पास लेकिन अब देखिए कम तालिबिन कम तालिबिन इन मौजूद कितने ही तालबिल मौजूद हैं अब ये खबर बता रहे अब ये सवाल के नहीं नहीं कितने ही तालबिल मौजूद हैं तो ये हम कहते ना आज देखिए कितने ही तालब अल मौजूद हैं ये फिर सवाल के लिए नहीं हो रहा उसमें सवाल हो रहा है इस्तेफ के लिए हो रहा है कितने दर हम है तुम्हारे पास और हम कहते ना आज कितने तालब इल मौजूद है तो ये सवाल के लिए नहीं खबर दी जा रही है

ठीक है बारकल्लाफी अरातलो बी दिन क्या आपने उसको देखा जो रोज जजात को जटलाया था आ क्या है इस्तेफाम और ये क्या है हरफ है ठीक है हमजा जो है हरफ इस मैंने कहा था ना आ और हलाते ठीक है रो आ से है या, रुआ या रुआ। मस्तर इसका तो नाता है आपने देखा ता जो है इसका फाइल है क्या आपने देखा ठीक है अल आप इसे मौसूला पढ़ चुके वाहिद मुसक्र गायब के लिए यु कसिबू कस युकीबू अभी आपने ये फेल नहीं क्या फेले मुदारे हैं वाहिद वाहि मुस्कर गायब का सीखा कस जबा युकीबू से तकजीब नस्खा मस्ता रहता है बेदी अब आप बेदीन को पूरा देख सकते हैं इससे महफिल हरफ है ना तो बा की वजह से भी है ना तो आप इसको बता सकते हैं मजरूर है जजाक रोज जजा की बात हो रही है इससे महफिल हरफ है वाहिदिया हालत कौन सी है मुजक्र मोहनस है जिसे कहा ना खास दिन की बात हो रही है ना रोज जजा की क्यामत के दिन की

धक्के देने के लिए यतीम इसका, जिसे मफूल है। ये दे आ, वो धक्के देता है मुराद हाँ, किसको देता है यतीम को देता है तो यतीम क्या है मफूल है इससे मफूल नहीं है इससे मफूल होता तो मफूल उनके वजन पर आता ठीक है वाला या जाए अः इनशाला आगे जाके पढ़ेंगे ला जो है एक नफी का होता है और एक होता है लाए नहीं तो ये लाए नफी का है ठीक है ये रोका नहीं जाता था हम कहते ला तो श्रिक तो उसमें क्या रोका जाता है कि ना तुम शेर करो और एक हम कहते हैं कि नहीं हाँ ये नहीं करता और एक होता है नहीं करो बहुत फर्क है ना मैं कहती हूँ और एक होता है कि नहीं तो जैसे नहीं का मतलब अलग है एक नफी होती किसी चीज की और एक होती किसी चीज से रोका जा रहा है तो यहाँ पे बताया जा रहा है ये फेले मुदारे से जब इसको मनफी मीनिंग देना होता है तो ला लगाया जाता है ला या खुद नहीं तरकीब देता नहीं तरकीब देता ठीक है क्या अला या हदू अभी आपने पढ़ा नहीं है अफाल हद इसका मस्तर है आमादा करना तरकीब नहीं देना अला तमी को आप पूरा इनालिस कर सकती है मरकबानी मरकबे जिसे कहा जा जाए इजाफी हम्म नफी का जी लाई नफी जींस नहीं, नहीं है जेंस नहीं है ना सिर्फ लाई नफी नफी कहेंगे ला मुदारे से पहले अगर हमें माजी से पहले किसी चीज को अ, अ, नेगेटिव का मीनिंग देना हो नफी का मीनिंग देना हो तो माँ लगाते हैं और मा, माजी से पहले और अगर मुदारे से पहले हो तो ला लगाया जाता है ठीक है आला ये पूरा आपका मुरकबी इजाफी और मरकबे जानी है आप इसको देख सकते हैं फाविल इसमे ये इसकी खबर ये, ये मुतदा है मुबतदा मुकदम हो गया लिल इसकी जार मजूर शबो जुमला खबर है ठीक है आप आराम से पूरा कर सकते है ठीक है हमने देखा था न कभी कभी आ, पहले भी आया जाता पहले भी आ सकती है और फा जो है वो आफफ का है ठीक है हलाकत है बस हलाकत है किसकी सलिन के लिए मुसलिन के लिए अल्लाजीना सलामसाहन आपका मौसू जम्मा मुजक्कर के लिए आता है म जिसे कहा अग आपकी जमीर आ गई जो कि मरफू है मुंफसिल है ठीक है अलग से डिटैच है हैं साहून, पर, जिसे कहा जाए साहुन फाइल फाइल का, फा फा फा, फा का वजन है साहुना तो अल ये आपकी अगेन जाल मजरूर हो गई ना अन सोलातीम और सोलातीम यह आपकी मुरकब इजाफी मरक्ब इजाफी ठीक है अलहमदुल्ल फिर आके देखिए साहून साहवन इसका मस्तर है इसमें फाइल है और जमा है साहून, फा फाइलून सा, साहून ठीक है आफल गफरत करने वाले ठीक है, है अभी आपने इसको देखा नहीं इसको छोड़ दीजिए वो यमना का मतलब होता है ये भी मना से है मनाऊ मनाउन इसका मस्तर आता है रोकना किसी चीज के देने से इनकार करना मांग कोई चीज मांगे लेकिन इंसान उस

السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاك الله خير بارك الله فيك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته